मैं बताया तुमको ऐसे ही मस्त ठंडी ठंडी हवा है, शाम का मौसम है, मस्त लग रहा है यहाँ पे। हेलो अनदर मिरर, और ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है गाइस। यहाँ पे अभी आपको बहुत सारी आवाज़ें आती रहेंगी नेक्स्ट 3-4 दिन तक, क्योंकि दिवाली है, बच्चे फटाके जला रहे हैं। और ये रहा हमारे घर का कंदिल जो मैंने उस दिन ब्लॉग में दिखाया था, रात को मैं लेके आई थी, तो मस्त यहाँ पे लटका दिया है। और ये लटकाने के लिए इतना कुछ करना भी नहीं पड़ा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक होल था, वहाँ से सिर्फ ये स्टिक ऐसे लगा दी और मस्त ऐसे ये हो गया। आज का ब्रेकफास्ट है ये छोटा छोटा बटाटा वड़ा। एक्चुअली ये बटाटा वड़ा नहीं है, बटाटा वड़ा जैसा दिख रहा है, ये बनाने का कुछ तरीका अलग है, इसमें ऑयल कम लगता है। और ये है थाली प्लेट, उसके ऊपर मैंने घी डाल दिया है और होमवेयर कोकोनट चटनी एंड थोड़ी सा सॉस। हम लोग ये बाहर से नहीं लाते, काकी ये घर पे बना के देती है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी बजे है दोपहर के 2 और व्लॉग चालू हो रहा है अभी दोपहर में, क्योंकि सुबह से मैं कुछ ना कुछ चीज़ों में बिज़ी थी। और आज मुझे घर का देना है होम टूर और मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने अभी तक कभी घर का ऐसा टूर दिया नहीं है। और मैं वेट कर रही थी अभी तक कि शीतल आए, जो हमारे घर पर आके सब घर साफ़ करने में मुझे हेल्प करती है, तो वो रोज़ाना आती है, थोड़ा जल्दी आई थी तो मैं शीतल का वेट कर रही थी कि वो कब आए और ये सब और घर साफ दिखे। तो जैसे ही हम लोग घर पे एंट्री लेते हैं तो हॉल लिविंग एरिया कुछ ऐसा है, सिंपल सा फर्नीचर है, कुछ ज़्यादा फैंसी थिंग्स नहीं है, लिमिटेड है। और हम लोग ने सोचा कि वैसा ही रखते हैं क्योंकि सिंपल मुझे अच्छा लगता है। तो ये एक छोटा सा सोफ़ा है और उसके सामने वैसे ही स्टाइल का ये छोटा सा टेबल है। ये टीवी के आजू बाजू आपको छोटा छोटा ऐसे शोपीस दिखाई देगा। ये वॉच है और ये जो कल माली आया था ना, उसने ये मेरे झाड़ को मस्त ऐसे हेयर कट कर दिया, ऐसे इतना इतना फैला था, उसको बोला ठीक कर तो उसने उसका हेयर कट ही कर दिया। और उसके ऊपर ना ऐसे हाथ घुमाने में मुझे बहुत मज़ा आता है। उसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं तो ये बड़ा सा पेड़ दिख रहा है, मुझे लगता है कि इसको बोलते हैं ब्रोकन हार्ट क्योंकि ये हार्ट शेप का उसका लीव्स रहता है। और मैंने गूगल पे सर्च किया था तो उसका नाम कुछ ऐसे ही था, और ये ऐसे ब्रेक हो चुका है तो शायद इसको बोलते हैं ब्रोकन हार्ट। उसके पीछे आपको दिखाई देंगे ये कैंडल जो मैं रात को कभी कभार जलाती हूँ, इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये कुछ ऐसे ही शौक के लिए। और यहाँ पर थोड़ा ऐसा सामान पड़ा है जो मुझे उठाना है। ये लैम्प है एंड ये मेरा बहुत अच्छा फेवरेट स्पॉट है। थोड़ा यहाँ पे ऐसे क्लीन नहीं है, करना पड़ेगा, लेकिन कल माली ने आके ये सब ऐसे उसको दवाई उसके मिनरल्स दे दिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि चाफा को बहुत मस्त फूल आया है। वहाँ पे नीचे बुद्धा की मूर्ति है, ये जो पहले ओनर थे ना उनका ही था, तो हम लोग ने सोचा कि रख देते हैं। तो ये ना घर का सबसे बड़ा पेड़ है, इसकी हाइट होगी 4.5 या 5 फीट कुछ तो। और यहाँ से ये पूरी गैलरी लास्ट बेडरूम तक कंटिन्यू होती है, तो लास्ट बेडरूम तक मैं आपको लेके जाती हूँ। तो ये लिविंग एरिया का हो गया। लिविंग एरिया से जैसे किचन की तरफ जाते हैं ना, तो ये एक्चुअली है बार टेबल, लेकिन ये बार टेबल हम लोग ने कन्वर्ट किया है वर्क टेबल में। 3-4 ऐसे बार और टेबल में जैसे ही होते हैं ना चेयर, वैसे ये चेयर है। और ये मिरर है जहाँ तक मेरी हाइट जाती नहीं है, तो मैं मिरर में कुछ इतना देख नहीं सकती। मैं अभी मेरे टोज पे आई हूँ एटलीस्ट, तो मेरा मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, नहीं तो कुछ दिखाई भी नहीं देता। और यहाँ है हमारे गणपति बाप्पा जो मस्त यहाँ पे आराम से ऐसे बैठते हैं। और यहाँ पे बैठ के मैं एडिटिंग करती हूँ या कुछ ना कुछ हम लोग यहाँ पे ऐसे सामान रखते हैं। और डिस्क्लेमर, ये है पानी। और यहाँ से दो रास्ते, एक तो जाता है मास्टर बेडरूम की तरफ, मेरे राइट हैंड साइड पे है गेस्ट रूम, और ये एक है किचन की तरफ, तो मैं तुम्हें किचन की तरफ लेके जाती हूँ। ये है गेस्ट बाथरूम, ये गेस्ट बाथरूम मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती, सिर्फ जब गेस्ट आते हैं तो हम लोग यूज़ करते हैं। हेलो, तो इसको मैं बंद करती हूँ, ये बंद ही रहता है ऐसा। एंड देन ये है किचन, किचन में मैं ना ये थोड़ा सा रस्टिक लुक लाने के लिए ऐसे ये रखा है। यहाँ पर मैं फॉल रखती हूँ जिसमें से 2 के लिए ऑलरेडी मेरे पेट में चले गए हैं। एंड मेरे घर पे ना एक काकी आती है जो कुकिंग करती है, उनको सब चीज़ें याद रखें, इसलिए मैं मराठी में जो भी उस दिन का ब्रेकफास्ट लंच डिनर का मेन्यू होता है वो सब यहाँ पे लिखती हूँ। काकी की डायरी मैंने लिख लिख के भर दी है, तो अभी मुझे कुछ ही दिनों में ये नई बनवानी पड़ेगी। इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मेरे किचन में ये एक विंडो है और छोटी सी बालकनी है,
और ये बालकनी की तरफ मैं जाती हूँ ना, तो ये वाला व्यू मुझे बहुत पसंद है। तुम्हें पता है यहाँ से इतनी हवा आती है कि कभी कभी ना ये सारी चीज़ें ना उड़ने लगती है, जो उड़ने जैसी होती है हल्की फुल्की टाइप। और विंडो के बाहर यहाँ पे एक बंगलो है और जिनके टेरेस में कुछ ना कुछ ऐसे फार्मिंग होता रहता है। तो बरसात के सीज़न में उन्होंने भिंडी लगाई थी, अभी भिंडी निकाल के कुछ और लगा रहे हैं। इनके घर पे ना 3 कुत्ते अल्सेशियन, बहुत मस्त है, क्यूट से। तो बेडरूम का कुछ ऐसा है, यहाँ पे भी रस्टिक लुक है। अभी यहाँ पे कलरिंग, पूरे घर का कलरिंग करके लिया था, और ये ओनर का ही फर्नीचर है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा था, हम लोग ने यही रखा है। ये मेरा मस्त ड्रॉवर और हेलो अनदर मिरर, और ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है। आगे आप देख सकते हो कि पूरा ऐसा लंबा चौड़ा 6 feet एंड अबाव का ये मिरर है, जहाँ पे खड़े रह के मैं नॉर्मली इंस्टाग्राम पे सेल्फी निकालती हूँ। और ये बेड है यहाँ पे, और ये अटैच बाथरूम, और यहाँ से फिर से गैलरी में आप एंटर कर सकते हो। और ये कुछ एडिशनल पौधे, ये है मोगरा, इसको क्या मस्त खुशबू आती है, तुलसी, अनदर मोगरा। और ये तो मैं ना अलीबाग ट्रिप पे गई थी, तो ऐसे ही मैंने इसकी डंडी उठा के लेके आई थी और लगाई तो उसको झाड़ आ गया। और ये इसको येलो कलर के फूल आते हैं, मुझे ना फूल वाले पौधे बहुत पसंद है। अगेन यहाँ से आप देख सकते हो कि ये पूरा गैलरी, और ये बीच का रूम है वो है गेस्ट रूम, वो मैं तुम्हें बताती हूँ। ये मास्टर बेडरूम का अटैच बाथरूम, ये कुछ ऐसे दिखता है। यहाँ पे भी बिग साइज मिरर है, मुझे ना मिरर बहुत पसंद है। जिनसे जब बाहर आते हैं तो लिविंग रूम के बाजू में किचन के सामने ये है छोटा सा गेस्ट रूम, और ये फोल्ड कर सकते हैं ऐसा, ये बेड है, ये स्ट्रेच हो सकता है। और यहाँ से बालकनी का एंट्रेंस है, ये छोटा सा प्लांट मैंने रखा है, और ये कुछ सामान यहाँ पे पड़ा है, ये है एक छोटा सा टेबल। तो ये कुछ ऐसे है, काफ़ी स्पेशियस है, एक दो लोग आराम से यहाँ पे रह सकते हैं। ये सारी वॉल है ना, यहाँ पे पेंटिंग लगा सकते हैं या कुछ ना कुछ लगा सकते हैं, लेकिन ये मैंने सब ऐसे क्लीन रखा है, यहाँ पे भी क्लीन रखा है, यहाँ पे भी क्लीन रखा है। सिर्फ ये नीचे सिक्योरिटी वाले कॉल करते थे, उनके लिए ये फ़ोन है, ये वाईफाई कनेक्शन है, सब ऐसे खाली रखा है। कुछ ऐसे स्पेशली चीज़ें ऐड की है जो ऐसे मुझे लगता है कि हाँ कुछ गेटअप ऐड कर देगी, लेकिन मुझे ना ये से भरा भरा हुआ पसंद नहीं है, मुझे खाली पसंद है। और खाली जब रहता है तो वो कम क्लीन करना पड़ता है, धूल मिट्टी भी कम लगती है, तो मुझे ये बहुत ऐसे पसंद है कि खाली और बहुत सारे प्लांट्स एंड थोड़ा रस्टिक ऐसा लुक। मुझे सुबह आंटी ने मुझे बोला था कि लाइटर ख़त्म हो चुका है, तो आज मुझे जाके पहले लाइटर ठीक से करवाना पड़ेगा या नया लेके आना पड़ेगा, देखती हूँ मैं। तो उसके लिए मैं जाऊँगी बाइक। बड़ की खासियत ये है कि मेरे सारे हेलमेट्स यहाँ पे आ जाते हैं, तो ये वाला हेलमेट, ये वाला लूँ या ये वाला लूँ, मोटो ब्लॉगिंग करनी है तो ये, एक्चुअली मोटो ब्लॉगिंग के लिए ना कोई भी हेलमेट अभी सूटेबल नहीं है, क्योंकि इसका तो मैंने मोटो ब्लॉगिंग का सेटअप निकाल लिया, उसके ऊपर तो लगाया ही नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि ये छोटू सा लेके जाती हूँ, क्योंकि गली में ही जाना है ना। एक्चुअली मेरा काम था नीचे जाने का कि ये लाइटर नहीं चल रहा था, ऐसे काकी ने बोला, और मैंने देखा भी था कि ये लाइटर से ये वाला नहीं जल रहा था, लेकिन अभी जस्ट मैंने ट्राई किया तो सबके सब अभी जल रहे हैं, तो मैं नीचे क्यों जाऊँ। लेकिन अभी ना मैं मस्त रेडी हो चुकी हूँ, तो मैं नीचे जाती आती हूँ। ये चला, ये भी चला, इसकी बारी, ये भी चला, और तेरी बारी, ये भी चला। तो अभी ये चल रहा है, पता नहीं क्या सीन था उसका, ये चल रहा है। पता है मैंने एक बार ना इसको हाथ लगाया था और जो जोर का झटका लगा था मुझे, तो इसको यहाँ पे रख देते हैं। जब से ये बिल्डिंग में मैं शिफ्ट हुई ना, तो एक अच्छी बात है कि ये बिल्डिंग के एक वॉचमैन है, जिसको मैं बोलती हूँ मुंशी भैया, वो ना बाइक चला के देते हैं। मतलब कभी कभी मैं दो हफ्ते बाइक नहीं चलाती हूँ तो वो बंद पड़ जाती है। तो वो पहले मैं क्या करती थी कि मैकेनिक को बुलाती थी, लेकिन आजकल ना ये चालू करके देते हैं, तो मेरे लिए वो बहुत अच्छी बात है। हेलो जी, जैसे मैं घर के बाहर आई तो देखा तो सामने ये चेयर है, ये चेयर यहाँ पर नहीं होती है, पता नहीं किसकी और कैसे यहाँ पर है। थैंक यू, हो गई, हाँ बारिश में वो ज़्यादा ठंडी होती है ना, अभी तो धूप रहती है। आई होप यू कैन सी दिस। अभी मुझे लेना है राइट,
अगर काकी मिलती है तो मुझे रास्ते में मिल जाएगी वो काकी। हाय काकी, मैं लिहून ठेवलं सगळं तर मी जाऊन येते। अभी आप देख सकते हो कि सामने थोड़ा सा ट्रैफिक है, सिग्नल लगा है, तो राइट साइड लूँगी तो मैं जाऊँगी कांदिवली की तरफ, लेफ्ट साइड लूँगी तो मैं जाऊँगी गोरेगांव की तरफ, जाऊँगी तो मैं माइंड स्पेस के यहाँ पे जाती हूँ। मैं बताया तुमको, ऐसी मस्त ठंडी ठंडी हवा है, शाम का मौसम है, मस्त लग रहा है यहाँ पर। और अभी मैं हूँ मलाड़ में, माइंड स्पेस करके जगह है वहाँ पे। मैं यहाँ पे 4 किलोमीटर का चक्कर लगाऊंगी बाइक से और घर जाऊंगी। थोड़ा सा जोर से बोल रही हूँ ताकि तुमको सुनाई दे। और यहाँ पे मस्त से लाइट लगाई इन्होंने, नमस्कार किया मैंने, तो चलो चलते हैं। ये सिग्नल ऑन है, सिग्नल जैसे ही छोड़ता है तो मैं सीधा घर पर जाऊँगी फिर से लिफ्ट में। और जैसे ही मैं अभी उतरी, मैंने देखा कि काकी का कॉल आया था, शायद काकी को वहाँ पर किचन में कुछ मिल नहीं रहा होगा। अभी जाके घर पे मुझे देखना पड़ेगा कि काकी को किचन में क्या नहीं मिल रहा है, पता नहीं क्यों कॉल किया था। अभी बज रहे हैं शाम के 6:30, तो अभी मेरा है डिनर का टाइम। मैं 6:30 to 7 के बीच में खाती हूँ, ऑलमोस्ट 6 महीने से मैं ऐसा कर रही हूँ और अभी आदत ही हो गई है। थोड़ा भी लेट होता है ना खाने के लिए तो ऐसे थोड़ा लेट खाती हूँ तो ऐसे ढकार आती है। तो अभी का खाना बहुत सिंपल है। ये खाने में है ये नाचनी का भाकरी, उसके ऊपर मैंने बहुत सारा घी डाला है, और ये दाल है छोटा सा, और ये वेज ऑमलेट एंड देन सैलेड। आंटी मुझे कॉल कर रही थी क्योंकि घर पे बेसन ख़त्म हो गया था, बहुत सारा सब सामान साथ में लेके आती थी लेकिन वो बहुत टाइम तक चलता था, बहुत उसको संभालना पड़ता था। तो आजकल मैं किचन का सामान थोड़ा थोड़ा लेके आती हूँ, तो वो बेसन ख़त्म हो गया था तो मैंने उनको कुछ अलग ही मेन्यू बोल दिया। और अभी मैं ये व्लॉग ख़त्म कर रही हूँ, रात के बजे है 7:15। थैंक यू सो मच ये व्लॉग देखने के लिए। अगर व्लॉग अच्छा लगा देन लाइक कीजिए, एंड चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब करके जाना, एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। बाय। और रात को ये कंडल कुछ ऐसे दिखाया।